sir. Good evening. Namaskar. Today we are conducting a first Telugu to English to first time in Hindi mein. We are organizing a wonderful training program in English Hindi. Hindi apna rashtrabhasha hai. Jo Hindustani Hindi mein baat karna padega, Hindi seekhna padega. Hum to bahut seekh liya because hum Hyderabad mein hai. So aaj hamara Ramalakshmi ji ne, she is from Bhubaneswar and she has completed her PhD in Hindi and also post graduate in MA Hindi from so she has written so many articles in so many magazines, my dear friends, and also she appeared in DD Bharati, DD India, DD National, Jagannath Rathyatra. She's a famous anchoring program, and also she's an anchor for International Sand Art Festival. It's famous there at Bhubaneswar, and Army Mela for 2 days hosted. And I can go on talk. She completed. She has given lectures at Academic Staff College, Kendriya Hindi Samsthan, IIT Kharagpur, RBI, SBI, UCO Bank, Journal Office, Vishwamukhi Municipality, B.R. Ambedkar University, MHRD, Kharagpur. So many organizations. Apart from that, she is a trainer in our organization called Junior Chamber International also. So today, we are with proud. I would like to present in front of you. Aap sab logon ke saamne main aapko pesh kar raha hoon Urdu mein. So Ramalakshmi ji, please go ahead with wonderful topic, beautiful topic. After 1 hour, please take the question answers, ma'am. Thank you. Please go ahead. थैंक यू सर. थैंक यू सो वेरी मच. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार. और जैसे कि सर ने कहा कि पहली बार ये हिंदी में सेशन हो रहा है, तो मेरा भी सौभाग्य कि मुझे ये अवसर मिला है इस कार्यक्रम को हिंदी में प्रारंभ करने का. जब हिंदी की बात आई है तो फिर 2 मिनट के लिए एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी और उसके बाद हम विषय में आगे बढ़ेंगे. लॉर्ड मैकाले ने जब पूरे भारत का दौरा किया तो उस दौरे के बाद उन्होंने ब्रिटिश की रानी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि मैंने पूरा भारत देखा है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, और यहाँ के लोगों में मैंने एक बहुत ही सुदृढ़ सांस्कृतिक एकता देखी है. इन लोगों को कोई बरगला नहीं सकता, इन लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता, और इन लोगों के इन लोगों का जो सांस्कृतिक मेरुदंड है वो इतना सुदृढ़ है कि इन लोगों के ऊपर शासन करने की जो हमारी मंशा है वो कभी पूरी नहीं होगी तब तक जब तक इनके सांस्कृतिक मेरुदंड को तोड़ ना दिया जाए. और वो तोड़ेंगे कैसे हम, क्योंकि इनके शक्ति की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनको शिक्षा इनकी अपनी भाषाओं में दी जाती है, जिसकी वजह से आपस में ये बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं. अगर हम इनकी शिक्षा को इनकी भाषा में ना देकर अंग्रेजी में देना शुरू करें और ये कहना शुरू करें कि अंग्रेजी भाषा और जो अंग्रेजी जीवन शैली है, अंग्रेजी वैचारिक पद्धति है, अंग्रेजों की पाश्चात्य वैचारिक पद्धति है, ये उनसे कहीं ज्यादा आगे है, विकसित है, तब हम इनके ऊपर शासन कर पाएंगे और उसका नतीजा हम सभी जानते हैं. तो इसीलिए कोशिश हम यही करते हैं कि जहां तक हो सके हम भारतीय भाषाओं में बात करें. बात सिर्फ हिंदी की नहीं है, कोई भी भारतीय भाषा भारत की अस्मिता और उसकी पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुदृढ़ पहलू है, एक स्तंभ के समान है, हमारी अस्मिता की पहचान है. और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिंदी में बात करने का अवसर मिला है. तो फिर आज हम अपने विषय की ओर जाते हैं. विषय है असफलता एक चुनौती है. कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, थक कर कहीं बैठ जाते हैं, हमारा पूरा जो मनोबल है वो धसक जाता है, डूब जाता है, बैठ जाता है, और सारी चेतना और सारी शक्ति को एक साथ जमा करने की कोशिशें भी हमारी बेकार हो जाती हैं, और हमें ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन का अब अंत है या हमारी कोशिशें अब इससे आगे नहीं बढ़ सकती हैं, ये मेरी असफलता है. और जैसे ही मैंने अपने प्रयासों के ऊपर असफलता का
टैग लगा दिया, उसके ऊपर असफलता की मोहर लगा दी, विश्वास कीजिए मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और जब कभी मैं इन असफलताओं की और चुनौतियों की बात करती हूँ तो बचपन की मेरी एक कहानी याद आती है जो स्कूल में बहुत बचपन में मैंने पढ़ी थी, इनफैक्ट हम सभी ने पढ़ी थी, वो थी प्यासे कौवे की कहानी। एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल फिरता था, उसको एक घड़ा मिला, घड़े में थोड़ा पानी था, कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। छोटी सी कहानी है, उस समय हमें सिर्फ इसे रटना होता था, इसे सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स को सुनाना होता था और उसके बदले में हमको तालियां मिलती थी, वाहवाही मिलती थी। अर्थ इस कहानी का उस समय हमें पता नहीं था, लेकिन आज इस कहानी का अर्थ हम बखूबी जानते हैं कि एक कौवा प्यासा था, अर्थात अपनी समस्त प्रेरणा, अपनी समस्त शक्ति को वो गंवा चुका था, जंगल जंगल फिरता था, असफल प्रयास वो करता रहा अपने आप को जुटाने के। उसके बाद उसको एक घड़ा मिला और घड़ा अर्थात एक लक्ष्य, लेकिन उस लक्ष्य में पानी बहुत ही कम था, फिर से निराशा। लेकिन उसने आसपास जब नजर दौड़ाई तो उसे वहां पर अपॉर्चुनिटीज के रूप में उसको बहुत सारे कंकड़ दिखाई दिए। उसने उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करना शुरू किया, उनका इस्तेमाल करना शुरू किया और उन कंकड़ों को वो घड़े में भरता गया भरता गया भरता गया और उसके बाद थका नहीं, रुका नहीं, तब तक जब तक पानी नहीं ऊपर आया, उसने पानी पिया, अर्थात अपने लक्ष्य को उसने मतलब पा लिया, अर्थात उसने अपनी असफलता को चुनौती के रूप में लिया और उसे असफलता के बदले अब उसने सफलता का मुंह देख लिया। इसका मतलब है कि कहानी असफलता से शुरू होती है और सफलता तक पहुंच जाती है, वो तभी संभव है जब उस कहानी में उसने उस असफलता को अपनी चुनौती बना लिया। अगर वो चुनौती नहीं बनाता तो शायद वहीं पर वो कौवा प्यासा मर जाता और हमको इतनी अच्छी प्रेरणादायक कहानी नहीं मिल पाती। अब आज के सिचुएशन को देख लीजिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व को अपने कराल दंष्ट्राओं के बीच में दबोच कर उसको खत्म करने पे तुली हुई है। आर्थिक व्यवस्था ऐसी कभी नहीं चरमराई जैसी इस बार चरमराई है, कहते हैं 1930 में कभी एक बार ऐसी अवस्था हुई थी, उसके बाद ये अवस्था है। हम सब डरे हुए हैं भीतर से, घबराए हुए हैं भीतर से कि एक बार जब जिंदगी फिर पटरियों पर आएगी तो हमारे पैरों तले पटरियां होंगी, क्या हमारे पास वो पहिए होंगे, क्या हमारे पास दौड़कर कहीं या चलकर कहीं जाने के लिए लक्ष्य होगा, आखिर इस परिस्थिति से क्या हम निकल पाएंगे। इस प्रकार के कई प्रश्न लगातार हमारे मन में मतलब उमड़ते घुमड़ते रहे हैं और हम ये जरूर कहेंगे कि हम में से कई लोगों ने इन्हीं चुनौतियों में से कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ ऐसे अवसर निकाल लिए हैं जिससे हम अपने भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, नए नए रास्ते निकल रहे हैं। जो लोग व्यापार करते हैं, हालांकि मुझे व्यापार की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि कई लोगों को ये डर लग रहा होगा कि लगा होगा जब लॉकडाउन शुरू हुआ होगा कि अब तो हमारे व्यापारों का बट्टा बैठ गया, हम अब व्यापार नहीं कर पाएंगे। लेकिन 10-15 दिन के बाद लोगों ने अपने अपने तरीके निकालने शुरू किए। एक तो लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ अपने आप को जोड़ना शुरू किया, दूसरे जब समय सामान्य हो जाएगा, ये विपत्तियां खुल जाएंगी या सुलझ जाएंगी, तब किस प्रकार से अपने आप को फिर से खड़ा करना है इसकी योजनाएं बनाने लगे और उन योजनाओं के ऊपर धीरे धीरे करके अब अमल भी कर रहे हैं, क्योंकि हम घर से बाहर निकलना हमारा बंद हो गया है, लेकिन हम एक दूसरे से अभी भी वैचारिक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए हैं और जिस व्यक्ति ने इस बात को पहचान लिया है उसने इसको अपनी अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं अगर अपनी ही बात कह लूं, मैं एक ट्रेनर हूं, महीने में कम से कम 4-5 बार
जो है मैं यात्राएं करती हूँ, ट्रैवल करती हूँ अपने ट्रेनिंग्स के लिए। जैसे ही ये कोरोना की स्थिति आई और बहुत सारे मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और जैसे कि सर ने बताया कि मैं एक साहित्य की विद्यार्थी हूँ, साहित्य की शिक्षिका हूँ, साहित्य से जुड़े मेरे जितने भी सेमिनार्स हैं, जितने भी मेरी संगोष्ठियां हैं, जितने भी मेरे कार्यक्रम हैं, सब के सब बंद हो गए। अब मुझे लगने लगा कि एक महीने भर तक इसी तरह मैं पड़ी रही तो मेरे दिमाग को जंग लगना बहुत ही ज्यादा, मतलब ये तो होना ही होना, जंग लग जाएगा। और उसी तरह से मेरी जो भावनाएं हैं, जो मेरी जो सकारात्मकता है, जो मेरी क्रिएटिविटी है, जिसको कि हम सृजनात्मकता कहते हैं, वो सारी चीजें जो हैं बंद हो जाएंगी, उन सभी के ऊपर जंग लग जाएगा, ये बात बिल्कुल तय से लग रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे 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 टेक्नोलॉजी का हाथ मैंने पकड़ लिया, अर्थात असफलता से मैंने जब उसको चुनौती के रूप में लिया, तो उसके एक एक धागे को पकड़कर मैंने इस तरह से आपस में ओट दिया कि वो एक मजबूत रस्सा बन गया। अब वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। विश्वास कीजिए, हर दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो JCI के हो या नहीं, तो फिर इस तरह से कि आप जैसे आप से जैसे मैं मिल रही हूँ, उसी तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मेरी साहित्यिक गतिविधियां भी लगातार चल रही हैं, और उसके साथ साथ परिवार के साथ जुड़े रहने का, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समय बिताने का, और उसके साथ ही मेरी जो क्रिएटिविटी है उसको स्थान देने का या उसको निखारने का समय भी मुझे मिलता चला जा रहा है। असफलता अगर चुनौती हम ले बना ले उसको, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए सफलता में परिवर्तित होगी ही, क्योंकि हम कभी इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल भी अवास्तविक परिस्थिति होगी जहां पर हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक अंधकार नहीं होगा, प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का कोई मूल्य नहीं है। क्योंकि अंधकार है इसीलिए हम जानते हैं कि प्रकाश का मूल्य क्या है। ये असफलताएं ही दरअसल हमको हमारे सफलताओं की ओर जाने की प्रेरणा देती हैं, अगर हमने उनको प्रेरणा बनाया तो, नहीं तो वहीं पे चकनाचूर होकर गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता, और उसके बाद हम लगातार दोष देते रहते हैं कि मेरा भाग्य खराब था, मेरी परिस्थितियां खराब थी, मेरे आसपास के लोगों ने मेरे साथ भला नहीं किया, और न जाने इस तरह से कितनी ही बातें होती हैं जो लगातार मेरे मनोबल को कुंठित करती चली जाती हैं और मैं वहीं पर थक हार कर बैठ जाती हूँ। तो इसीलिए असफलता को जब चुनौती मैंने बनाया, तभी जाकर मुझे रात के बाद की सुबह का आभास होता है, रात के बाद की सुबह सुनिश्चित होती है, और रात के बाद के सुबह का मैं स्वागत कर पाती हूँ, और रात के बाद के सुबह के लिए मैं योजनाएं बनाती हूँ, और रात के बाद के सुबह में किस तरह से अपने आप को सफलतापूर्वक अपने पैरों पर खड़ा कर पाऊंगी और अपने व्यक्तित्व को खड़ा कर पाऊंगी, इसके लिए मेरे पास काफी कुछ होता है सोचने के लिए। अब अगर हम फेलियर क्या है, असफलता क्या है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो फेलियर क्या है? फेलियर साहब कुछ नहीं है, मेरे मन की बात मेरे मन के तरीके से नहीं हुई, वही फेलियर है, वही असफलता है। मैंने अपनी बात किसी को मनवानी चाही, सामने वाला नहीं माना, असफलता। मैंने अपनी बात किसी को समझानी चाही, सामने वाला नहीं समझा, असफल। मैंने कोई काम करना चाहा, वो काम मैं नहीं कर पाई अपने तरीके से, असफल। मैंने जीवन में लक्ष्य बनाए लेकिन उस लक्ष्य को मैं प्राप्त नहीं कर पाई, असफल। इस तरह से असफलता हमेशा हमेशा जीवन में छाया की तरह चलती रहती है। थॉमस अल्वा एडिसन, हम जानते हैं कि जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाया, बिजली का बल्ब बनाने के पहले, जो सक्सेसफुल बल्ब बना उसके पहले 10,000 बार उन्होंने बिजली के बल्ब बनाए और वो फेल हुआ, कभी फटा, कभी फूटा, कभी रोशनी नहीं निकली, निकली तो भी गर्मी बहुत थी, और इस प्रकार से न जाने कितनी ही रुकावटें आती रही, और
बिना थके बिना हारे 10,000 बार कोशिश की और उन्होंने कहा कि मैं दरअसल 10,000 बार असफल नहीं हुआ बल्कि 10,000 बार सफल हुआ हूं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई एक कारगर तरीका ढूंढने में। सोच, सिर्फ और सिर्फ सोच। और उसी तरह से अगर हम बात करें तो एक सज्जन ऐसे भी हैं जिन्होंने व्यापार शुरू किया छोटी सी उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में, लेकिन असफल। उन्होंने चुनाव लड़ना चाहा 22 की उम्र में, असफल। 24 की उम्र में चुनावों को छोड़कर, राजनीति को छोड़कर फिर से व्यापार किया, असफल। 26 वर्ष की उम्र में उनकी प्रेमिका उन्हें छोड़कर चली गई हमेशा से, हमेशा के लिए, फिर असफल, जिसकी वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया उनका और लगा कि पता नहीं ये व्यक्ति क्या करेगा। लेकिन फिर वो राजनीति में आते हैं और लगातार असफलताओं का चेहरा देख देख कर 52 ईयर्स की एज में, 52 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब्राहम लिंकन की। और इस तरह के उदाहरण हमारे पास कम नहीं है। हम बाहर ही क्यों जाएं, अगर हम भारत में भी देखें तो फिर अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और कितनी ही बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने अनेकों प्रकार की असफलताओं का मुख चखा है, लेकिन उसे उन्होंने चुनौती के रूप में लिया है और अपने जीवन में सफल रहे हैं। जब कभी मैं असफलताओं की बात करती हूँ या सोचती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है दरअसल इस जीवन में असफलता जैसा कुछ होता ही नहीं। वो कैसे? देखिए, दरअसल बांस का जो पेड़ होता है ना, बांस, बैम्बू है ना, तो घास की एक प्रजाति होती है और जो उत्तम प्रजाति होती है बांस की वो 80-90 फीट ऊंची बढ़ती, 80-90 फीट ऊंची बढ़ती। अब ये 80-90 फीट ऊंचे बढ़ने वाले बांस को यदि समझ लीजिए आप और मैं अपने आंगन में रोपते हैं, लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसकी पूरी सेवा करते हैं, उसको गोड़ते हैं, उसके लिए ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से उपजे और उगे, लेकिन आपको उसका एक अंकुर तक नहीं दिखाई देगा। महीनों बीत जाते हैं लेकिन उसका अंकुर नहीं दिखाई देता। आप आगे बढ़ते जाइए, उसकी सेवा करते जाइए, पानी डालते जाइए, उसको वैसा वातावरण देते जाइए और आप देखेंगे कि साल भर भी बीत जाएगा लेकिन उसमें से कोई अंकुर नहीं फूटता। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी बीत जाए लेकिन उस बांस में से कोई अंकुर नहीं दिखाई देता। जमीन की सतह के ऊपर बांस दिखता ही नहीं है, उसके हरे पत्ते नजर तक नहीं आते। 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, 5 लंबे साल बीत जाते हैं लेकिन बांस की वो हरी कोपले आपको धरती के ऊपर नहीं दिखाई देती। फिर क्या होता है? 5 साल के बाद अचानक से उसकी कोपले दिखनी शुरू होती हैं, छोटी छोटी, और ये कोपले धीरे धीरे बांस के पौधे, झुरमुट और महावृक्ष तो नहीं लेकिन उससे भी कहीं ऊंचा बन जाता है। पता है कितने समय में? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में ये बांस 80-90 फीट ऊंचा हो जाता है। अब आप कहेंगे जो 6 महीने में 80-90 फीट हो गया वो 5 साल तक कर क्या रहा था? सीधी सी बात है,
ऊपर जितना बड़ा महल बनाना हो नींव उतनी ही नीचे गहरी डालनी पड़ती है, ये समझदारी की बात। अगर बांस की जड़ें सिर्फ और सिर्फ जमीन पर सतह पर रहती हैं, सरफेस पर रहती, तो 80-90 पेड़ है जो बड़ा हुआ है, एक हवा के हल्के से झोंके के साथ वो धाराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा। तो जमीन से ऊपर 80-90 फीट अपने आप को मजबूती से खड़ा करना है, ऊपर बढ़ना है, आसमान को छूना है, ऐसे इच्छा है अगर बांस की, तो उसको सबसे पहले अपनी जड़ों को मजबूत करना, अपनी जड़ों को इस तरह से जमाना होगा कि कल को जब ऊपर सीधे 80-90 फीट वो उठेगा तो एक बहुत बड़ा अंधड़ या आंधी तूफान भी आ जाए तो भी वो गिरेगा नहीं। इसके लिए वो 5 साल तैयारी कर रहा था। उसे पता है कि यदि मुझे ऊपर जाना है तो मुझे सबसे पहले तैयारी करनी पड़ेगी, नीचे अपने आप को गहरे जमाना पड़ेगा, और वो जितने गहरे नीचे अपने आप को जमाएगा वो उतना ही ऊपर उठ पाएगा। ये बांस की इस प्रजाति को अच्छे से पता, इसीलिए वह तैयारी करता है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है, दरअसल जीवन में असफलताएं होती ही नहीं है। कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे मन का हो नहीं रहा, तो विश्वास कीजिए ये प्रकृति, ये सृष्टि हमें अवसर दे रही है। किस बात का अवसर दे रही है कि तुम तैयारी करो, तुम्हारी तैयारी अभी काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है। हम अक्सर सपने बड़े देख लेते हैं लेकिन उसकी तैयारी उतनी नहीं हो पाती। तो सपना तुम्हारा बड़ा है, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसके लायक तुम्हारी तैयारी नहीं है, इसीलिए तुमको मैं समय दे रही हूं, ये प्रकृति कहती है। अब तुम अपनी तैयारी पूरी करो और उस तैयारी को पूरी करने के बाद जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो फिर तब तुमको पता होगा कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन सी दिशा में जाना है, कितने दूर चलना है, कितने स्पीड में चलना है, और रास्ते में किस किस तरह की मुसीबतें आएंगी और उन सभी मुसीबतों को कैसे पार करना है। ये सारी चीजें प्रकृति हमें सिखाने के लिए एक अवसर देती है और हम उस अवसर को जो है कई बार असफलता समझ लेते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं। सोचिए एक बार अगर बांस की पौध ऊपर दिखाई ना दें तो हम क्या करेंगे? उसे पानी देना छोड़ देंगे? हमको लगता है कि अरे ये तो उठ ही नहीं रहा, मर गया होगा भीतर, ये नहीं निकलेगा, मर गया है। निराश हो जाते हैं, कितने प्यार से लेकर आई थी, मैंने विजुलाइज किया था अपने घर के चारों ओर ऊंचा ऊंचा बांस, कितना सुंदर हरा भरा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया, क्या करें? शायद मैंने गलत पौध को चुन लिया था। हमें शक होने लगता है हमारे प्रयासों पर, हमारे लक्ष्य पर और हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य पर, उस लक्ष्य की तरफ हमारे बढ़ते हुए कदमों पर हमें शक हो जाता है और हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, बात नहीं बन रही है, चलो छोड़ो, इसके बदले कुछ और ही सही, इतना ऊंचा नहीं सही, किसी और से हम अपना समझौता कर लेंगे एंड वी सेटल डाउन विद द लोअर और लेसर गोल्स। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि दरअसल सफलता असफलता जैसा इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सिर्फ और सिर्फ सफलता है और बाकी समय है जो हमें मिल रहा है कि हम अपनी तैयारी कर सके। अगर सक्सेस एंड फेलियर इन दोनों को अगर हम देखें तो दरअसल सक्सेस का मतलब सिर्फ जीतना है क्या, या फेलियर का मतलब सिर्फ हारना है क्या? ऐसा है क्या? दरअसल ऐसा नहीं है। सक्सेस एंड फेलियर का मतलब है, सक्सेस का मतलब है सेटिंग द गोल्स, यानी हम अपने लक्ष्य निर्धारित करें, और फेलियर का मतलब है अगर हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जैसे मैंने कहा फेलियर होता नहीं है, तो थोड़ा समय लें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की
कोशिश करें। सक्सेस और फेलियर का मतलब है अपने लिए जो भी परेशानियां तैयार, कभी कभी मतलब हम खुद ही करते हैं, अफकोर्स कोई बाहर वाला तो करता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो कोई प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स और उन डिफिकल्टीज को सॉल्व करना ही सक्सेस, फेलियर से सक्सेस की कहानी। फेलियर से सक्सेस की कहानी जीवन में आने वाली हर एक रुकावट को पार करके पहुंचना है। आपने देखा होगा जो एथलीट्स हर्डल रेस में दौड़ते हैं, है ना, उसमें होता क्या है, ढेर सारे हर्डल्स होते हैं और उस धावक को, उस खिलाड़ी को दौड़ते हुए इन सभी हर्डल्स के ऊपर से पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। तो फेलियर से सक्सेस की कहानी इसी तरह से जीवन की सभी रुकावटों को पार करते हुए आगे जाना है। दरअसल फेलियर और सक्सेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। हर फेलियर में सक्सेस छिपा होता है, बस उसे देखने और समझने की जरूरत होती है। तो अगर हम फेलियर या जिसे असफलता कह रहे हैं उसको हम रिडिफाइन या उसको पुनः परिभाषित करें तो वो क्या होगा, इसका मतलब क्या, कि मुझे अब तक सफलता मिली ही नहीं है, मतलब यही हुआ कि अब तक मुझे सफलता नहीं मिली है, इसीलिए मुझे ये फेलियर लग रहा है। दूसरी बात कि मैंने अपनी असफलताओं से सीखना शुरू कर दिया है, ये भी एक डेफिनेशन है। हम अलग अलग तरह से परिभाषित कर रहे हैं असफलता। सबसे पहला अगर हम कहें तो इसका मतलब यह है कि अब तक मुझे कोई सक्सेस मिली ही नहीं, जबकि ऐसा होता नहीं है, जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे अब तक कोई सफलता ही नहीं मिली। जीवन सफलताओं के साथ गढ़ता है, हमारा पूरा व्यक्तित्व हमारी सफलताओं और असफलताओं से निर्मित होता है। कभी किसी का जीवन ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ और सिर्फ असफलताएं हों, सफलताएं होती हैं लेकिन वो कई बार हमारे लिए मायने नहीं रखती शायद, इसीलिए हम उन्हें दरकिनार कर देते हैं, या नहीं तो फिर किसी बड़ी सफलता के प्राप्त करने के पीछे हम दौड़ते रहते हैं और जब वो नहीं मिलता तो हम थक हार कर बैठ जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं रहा, लेकिन आसपास देखिए कई सारी सफलताएं हमको मिल रही हैं, छोटी 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 छोटी, और वो छोटी छोटी सफलताओं के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, हमें सिर्फ वो बड़ी असफलता दिख जाती है और ये छोटी छोटी सफलताएं जो हैं रह जाती हैं, जो कि हमारे लिए एक प्रेरणा का काम कर सकती हैं, इसीलिए ये सोचना बहुत आवश्यक है। दूसरा कि हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं इस दौरान, असफलता की ये भी एक परिभाषा है कि जितनी बार मैं असफल हुई हूं उतनी बार मैंने कुछ सीखा, उतनी बार मैंने कुछ सीखा। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में कितनी ही चीजें हम सीख रहे हैं। जब कॉलेज बंद हो गया और अचानक नोटिस निकल गया कि कल से सारे स्कूल एंड कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, तब मेरी हालत सबसे पहले खराब हो गई। क्यों खराब हो गई, क्यों, क्योंकि मुझे बच्चों को जो पढ़ाना था वो मैं पढ़ा ही नहीं पाई, आधा कोर्स मेरा बच गया था, आधा कोर्स अभी कंप्लीट करना था, अब मैं क्या करती। बच्चों की भी परेशानी थी कि अब वो कैसे पढ़ेंगे। हाँ, मैं आराम से इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल कर सारा दोष परिस्थितियों पर डालकर ये कह सकती थी कि अब मैं क्या करूं बच्चों, आई एम हेल्पलेस, यू सी अब सब कुछ बंद हो गया है तो कैसे करेंगे हम, तो इसीलिए अब किसी तरह अपने आप पढ़ लो। लेकिन इस परिस्थिति ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि किस तरह से मैं अपने विद्यार्थियों तक पहुंच सकती हूं। तब मैंने सोचना शुरू किया कि इस तरह से जैसे आपसे बात कर रही हूं, वेबिनार्स किए जाएं, जूम मीटिंग्स किए जाएं, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं,
वो इसीलिए कि ये हमारे पास हमेशा नहीं रहेंगे। हम कुछ ऐसा चाहते हैं जिसको हम आते जाते सुन सकें और आराम से चीजों को समझते रहें। तब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप ऑडियो फाइल्स हमारे पास नोट्स के भेजें। मैंने ऑडियो फाइल बनाया, रिकॉर्डिंग की। अब कोई भी लिटरेचर हो चाहे कोई भी विषय हो, 10 या 15 मिनट में कोई लेक्चर बन नहीं सकता। मैं टेक्नोलॉजिकली अगर देखें तो मैं अंगूठा छाप, मुझे कोई जानकारी चीजों की नहीं है। अब जो पहला लेक्चर मेरा बना वो 22 मिनट का बना। अब मैं उसे व्हाट्सएप में डालने की कोशिश कर रही हूं, वो जा ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? तब मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा मुझे क्या करना चाहिए। वो मुझसे काफी दूर है, अमेरिका में है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी सहायता कैसे लूं। तो उसने मुझे सुझाया कि ऑडियो फाइल कंप्रेसर्स ऐसे एप्स आते हैं अम्मा, गो फॉर देम एंड ट्राई देम। मैंने 3-4 ऐप डाले जो मेरे लिए बहुत आसान था, उसमें मैंने कंप्रेस किया और जैसे ही वो फाइल भेजा तो बड़ा मजा आया, क्योंकि मेरे बच्चों ने उसका बड़ा आनंद लिया, मेरे स्टूडेंट्स ने। और उसके बाद फिर मैंने क्या करना शुरू किया, धीरे 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 उनका सारा का सारा कोर्स जो है मैंने कंप्लीट कर दिया, इसी तरह से फाइल्स बना बनाकर। तो मेरे लिए ये असफलता या परिस्थितियों की असफलता, जो मेरी भी असफलता थी, उसमें मैंने कुछ सीखा कि किस तरह से इन हर्डल्स या रुकावटों को पार किया जाए, ये मैंने सीखा। उसके बाद एक और परिभाषा इस फेलियर की ये भी हो सकती है कि वी आर नॉट परफेक्ट, हम कोई भी पूर्ण नहीं है, हमको और एफर्ट लगाने की जरूरत है। अर्थात हमारे प्रयासों में कमी रह गई है, हमें और प्रयास करने की जरूरत है, हमें और प्रयास करने की जरूरत है, हमें और परिश्रम करने की जरूरत है। ये एक दिशा जो है हर असफलता हमको दे जाती है, असफलता की ये भी एक बड़ी अच्छी सी परिभाषा है। असफलता की एक परिभाषा ये भी है कि हमको अपने कार्यों को प्राथमिकता की श्रेणी में रखना होगा, यानी प्रायोरिटाइज करना होगा। हम सारी चीजों को एक साथ अगर लेकर चलने लगे तो निश्चित रूप से असफलता का मुंह देखेंगे। तो इसीलिए हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, एक के बाद एक, और तभी जाकर हम सफल होंगे, क्योंकि आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस काम को पहले मैं पूरा कर लूं, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। उससे होगा ये कि हमारे जितनी ऊर्जा है, जितनी हमारी एनर्जी है, उस पूरी एनर्जी को किसी एक काम पर, किसी एक समय पर हम लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि उस कार्य को हम बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण कर रहे हैं। असफलताएं हमको ये भी सिखा जाती है कि हम अपने कार्यों को प्रायोरिटाइज करें। उसके बाद असफलता हमको एक और बड़ी चीज जो सिखाती है वो ये है कि हमारे भीतर धैर्य लाती है। हमको ये सिखाती है कि अगर इतने समय में तुमने अपने गोल को अचीव नहीं किया, समझ लीजिए मैंने किसी अपने एक कार्य के लिए मुझे एक पुस्तक लिखनी है और मैं चाहती हूं कि मेरी पुस्तक जो है प्रकाशित हो, और उसके लिए मैंने 5 महीनों का समय लिया है, लेकिन वो 5 महीनों में किताब मेरी पूरी नहीं होती है, और ऐसी स्थिति में जो असफलता मैंने चखी है वो असफलता मुझे ये सिखाती है कि देखो राम लक्ष्मी, जो तुमने काम लिया वो बड़ा काम है जो 5 महीनों में पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए बेहतर है कि तुम अपने भीतर थोड़े धैर्य को लाओ, थोड़ी हिम्मत रखो, क्योंकि ये काम 5 महीनों वाला है ही नहीं, इसके लिए तुमको कम से कम साल भर लगेंगे, तो अभी तुम 7 महीने और काम करो इस पर और तब जाकर तुम्हारी पुस्तक पूरी होगी। ये धैर्य मुझे मेरी हर असफलता सिखाकर जाती है। एक और नई परिभाषा असफलता की। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात मुझे असफलता सिखाती है वो ये सिखाती है कि जैसे हम कहते हैं ना, समझ लीजिए कोई बुरा दिन आ गया है कि नहीं, तो हम अक्सर यही कहते हैं कि अरे वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेगा, वो सुख वाले दिन नहीं रहे तो ये दुख वाले दिन भी नहीं रहेंगे, जैसे वो बीत गया ये भी बीत जाएगा, दिस आल्सो विल गो, दिस आल्सो विल पास।
तो उसी तरह से ये असफलताएं मुझे ये एक पाठ भी पढ़ाती हैं कि रामलक्ष्मी लोग, ऐसा नहीं है कि सफलताएं खत्म हो जाती हैं और ऐसा नहीं है कि असफलताएं चिरस्थाई होती हैं, हमेशा रह जाती। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साथ में चलती हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से हम अपनी हर एक असफलता को चुनौती में बदलते चले जाते हैं। असफलता से सीखना चाहे तो कितने ही तरीकों से हम उसे सीख सकते हैं, कितनी ही सुंदर परिभाषाएं जो है असफलता हमको सिखा देती हैं, हमको बता देती हैं और जता देती हैं। दरअसल जब कभी ऐसी स्थिति आती है असफलता की, तो एक बार मेरे कई विद्यार्थी हैं वो भी मेरे पास आकर कहते हैं कि मैडम मैंने ये चाहा था लेकिन मुझे ये मिला नहीं। तो मैं उनसे यही कहती हूं कि तुम्हारी चाहत में कितनी शिद्दत थी, कितनी गहराई से और कितनी ताकत से तुमने उसे चाहा है, कितनी एनर्जी तुमने उसमें दी है चाहने में। आप सबने वो शाहरुख खान की पिक्चर देखी होगी ओम शांति ओम, उसमें शाहरुख खान री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म की कथा है ना, जिसमें वो कहते हैं कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी तुमको उससे मिलाने की साजिश करती है। एंड दैट इज सो ट्रू, कितना सच है वो, कितना सच है कि हमारे चाहने के ऊपर निर्भर करता है कि हमें असफलता मिल रही है या सफलता, और अगर हमें असफलता मिली तो उसको चुनौती के रूप में ग्रहण करके सफलता की ओर जाने में भी सिर्फ और सिर्फ हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी सोच है, वही हमारी सहायता करती है। क्यों? क्योंकि हम जो चाहते हैं वही हमको मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने असफलता को चाहा है? एक बार अपने आप की परीक्षा कर लीजिए, एक बार चलिए हम सोचते हैं कि मुझे जो असफलता मिली है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सोच में गड़बड़ रह गई हो, मैंने शायद उतनी शिद्दत से चाहा नहीं हो, चाहे हो सकता है कि मैंने उतने गंभीरता पूर्वक उसको लिया नहीं हो, यह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कहीं हमारी सोच में तो गड़बड़ नहीं रह गई? तो ये भी सोचने और समझने की हमको जरूरत है। फ्रेंड्स, अगर मेरा गोल ठीक है यानी मेरा लक्ष्य सही है, मुझ में उस लक्ष्य को प्राप्त करने की लगन है और उसको पाने का मेरा जो इरादा है मजबूत है, मेरा मोटिवेशन मेरी प्रेरणा भी हमेशा मेरे साथ है, आज नहीं मिला लक्ष्य चिंता मत कीजिए, जरूर मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं अब आजकल के, आजकल हो कभी भी हो जो भी हो, हम क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं इंडियंस, भले ही हमारा नेशनल गेम हॉकी है लेकिन प्यार हम क्रिकेट से बड़ा करते हैं। क्रिकेट के बराबर अगर हम जिंदगी को लगा कर देखें, क्रिकेट के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे 2020, जैसे दो टीम्स खेल रही हैं, एक टीम को 20 ओवर्स मिलते हैं बैट करने की और बॉल करने की, उसी तरह से दूसरी टीम को भी 20 ओवर्स मिलते हैं बैट करने के बॉल करने के, यानी बॉल्स की संख्या उसमें निश्चित है, निर्धारित है, राइट? उसी तरह से वनडे क्रिकेट मैच, अब वनडे में क्या होता है कि 20 ओवर की जगह हर टीम को बैटिंग और बॉलिंग करने के 50-50 ओवर मिलते हैं, निश्चित है। टेस्ट मैच, अब टेस्ट मैच से तो बड़ा कुछ नहीं होता क्रिकेट में, टेस्ट मैच, अब एक टेस्ट मैच 5 दिनों का होता है लेकिन इसमें भी समय की सीमा निर्धारित है। भैया जो कुछ इसमें अचीव करना है, जो कुछ इसमें डालना है, मतलब पाना है, तुमको इसी में पाना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, अब क्रिकेट की बात आई है तो भैया सचिन तेंदुलकर की बात किए बिना हम कैसे रह सकते हैं। सचिन तेंदुलकर जिनको कि हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट, उनकी अगर हम बात करें, देखिए सचिन तेंदुलकर कई बार ऐसा हुआ है कि वो 98 पर 99 पर आउट हुए, राइट? अगर उसको अपनी
सबसे बड़ी असफलता वो मान लें और उसको अपनी सबसे बड़ी हार वो मान लें, तो निश्चय जानिए सचिन तेंदुलकर अगला मैच खेलते ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर एक बार ऐसे 98 या 99, 98 या 99 के रन पर आउट हुए, कई बार ऐसा हो चुका है ना। इनफैक्ट हम सब भी बैठे रहते हैं कि 98-99 पता नहीं क्या हो जाए, ऐसा रहा है, लेकिन अगले मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी है, कई बार ऐसा हुआ। तो इसका मतलब ये कि लक्ष्य हमेशा मेरे सामने है, अगर मैं उस तक एक बार में नहीं पहुंच पाई तो मुझे धैर्य सिखाता है, वो मुझे सिखाता है कि किस तरह से मुझे और प्रयास करना है और मुझे आगे बढ़ने की बार बार प्रेरणा देता है। ये तो क्रिकेट की बात है जिसमें लिमिटेड बॉल्स होते हैं भैया, लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं। जिंदगी के क्या उसूल है? जिंदगी पहली सांस से आखिरी सांस तक चलने वाला एक क्रिकेट मैच है जिसमें लगातार आपकी ओर बॉल्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। आप जिंदगी के इस क्रिकेट मैच में कभी भी आउट नहीं होंगे, आपको कोई आउट नहीं करेगा, आपको लगातार खेलने का मौका मिलता ही रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि भैया मैं निकल जाऊं कोई और आ जाए, ना, आपकी जिंदगी का क्रिकेट मैच आप खुद खेलें। मेरी जिंदगी का क्रिकेट मैच मैं खुद खेलूंगी और मेरी तरफ लगातार बॉल्स आते रहेंगे। और ये बॉल्स क्या है? ये बॉल्स हैं अपॉर्चुनिटीज, ये बॉल्स हैं वो अवसर जो हमको जिंदगी देती है। कभी वाइड जाता है, कभी कुछ होता है, कभी छक्का लगता है, कभी चौका लगता है ना, लेकिन आउट जिंदगी के क्रिकेट में इंसान नहीं होता, तब तक नहीं होता जब तक कि वो मैदान छोड़कर भाग न जाए और ये न बोल दे कि बस हुआ अब मैं नहीं खेल सकता। जिस दिन वो ये कह देता है तब उसका क्रिकेट मैच खत्म होता है, अर्थात वो उसकी सबसे बड़ी असफलता है जब उसने हथियार डाल दिए और हाथ खड़े कर दिए और बोल दिया कि अब मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन अगर हम में हिम्मत है, हम खेल रहे हैं, तो विश्वास कीजिए लगातार बॉल्स आती रहेंगी और हमको पता होना चाहिए ये कि हर तरह से हर बॉल को अपॉर्चुनिटी में बदलें। मुझे तेंजिंग नॉर्गे की जो कहानी है वो मुझे बड़ी प्रेरित करती है। तेंजिंग नॉर्गे ने हिमालय पर्वत पर जो सबसे पहले चढ़े थे, ऐसा नहीं है कि पहली बार में वो बिल्कुल उन्होंने समिट कर लिया था या शिखर पर पहुंच गए थे, कई बार वो हारे, अर्थात कभी शुरू ही किया लौट आए, कभी बीच रास्ते तक लौट आए, कभी 3/4 पूरा कर लिया और आ गए। लेकिन जब इस तरह कई बार हुआ तब उन्होंने खड़े होकर उस विशाल काय हिमालय की चोटी को देखकर कहा, हे हिमालय, तुम निश्चित बहुत बड़े हो, विराट हो, बहुत ही ऊंचे हो, तुम पर चढ़ना मेरा सपना है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम में और मुझ में बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर क्या है कि तुम अपने आकार को बड़ा नहीं कर सकते, तुम जितने हो उतने ही रहो, लेकिन मैं अपने मनोबल को तुम्हारी ऊंचाइयों से बहुत ऊपर लेके जा सकता हूं। और विश्वास करो, ये मेरा मनोबल है, ये मेरी जिद है, ये मेरा लक्ष्य है जीवन का कि एक न एक दिन मैं तुम्हारे सर पर खड़ा रहूंगा और वहां पहुंच कर तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। और तेंजिंग नॉर्गे वहां पर पहुंच गए। हालांकि हर किसी के सक्सेस फॉर्मूलाज या सक्सेस के मायने अलग अलग हैं, मानती हूं, लेकिन फिर भी यदि हमको अपनी असफलताओं को सफलता में बदलना है, यदि अपनी असफलताओं को चुनौती के रूप में ग्रहण करना है, यदि अपनी असफलताओं से निकलकर सफल होना है, तो हमें कुछ चीजों को जीवन में अपनाने की बहुत जरूरत है, जिसमें सबसे पहला ये है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, कि मुझे गर्व हो कि मैं जो कोई काम कर रही हूं
या कर रहा हूं वो गौरव का, गर्व का कार्य है, क्योंकि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अर्थात अपने आप में आत्मविश्वास, आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मसम्मान की भी भावना का होना जरूरी, क्योंकि आत्मसम्मान नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाए। अक्सर हम मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे में वो काबिलियत ही नहीं है, मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, और मैंने आज तक कुछ भी अपने जीवन में अचीव नहीं किया है, तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं ये काम शुरू ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस काम को शुरू करूंगी तो मैं इसमें असफल हो जाऊंगी। मैं बार बार अपने दिमाग को क्या बोल रही हूं कि मैं शुरू करूंगी तो मैं असफल हो जाऊंगी, मैं ये काम करूंगी तो मैं असफल हो जाऊंगी, तो असफलता मिलनी ही मिलनी। तो इसी वजह से अपने प्रति सम्मान की भावना, अपनी काबिलियत के ऊपर विश्वास का होना सफलता के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत है। और साथ ही इस बात की भी जरूरत है कि हम जो कोई कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति भी उतना ही सम्मान हो जितना सम्मान मेरा अपने ऊपर और अपने प्रयासों के ऊपर है। और तब तक हमें वो सफलता नहीं मिलेगी या हम असफलता से निकल नहीं पाएंगे जब तक मैंने अपने कार्यों और अपने एफर्ट्स में वो एक्सेलेंस नहीं डाला, अपनी मैंने इज्जत नहीं की, अपने कार्यों की मैंने इज्जत नहीं की। मतलब मैं जो भी कार्य करूं उसके प्रति सम्मान की भावना हो, मैं उसमें उस कार्य को खुश होकर करूं, मैं उस कार्य में मूल्य, मूल्यवत्ता, वैल्यूज को मैं डालूं, उस कार्य की मैं वैल्यू करूं, उसका मोल करूं और उसका उसका सम्मान करूं, तभी जाकर वो कार्य परिपूर्ण हो सकता है, संपूर्ण हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है, पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मकता का होना जीवन। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी काम समाप्त होता है वो नई शुरुआत होती है, और शुरुआत में ही हम लक्ष्य की परिपूर्णता को देखकर अगर हम काम करते हैं तो वहां पे हमारी सकारात्मकता होती है। अगर हमें फिर से करना पड़ा, समझ लीजिए किसी काम को फिर से करना पड़ा, कोई बात नहीं, हर बार में अगर दुगने उत्साह के साथ करूं तो सफल होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। और सकारात्मकता का अर्थ ये भी कि यदि मैंने कुछ छोड़ा है, कुछ छूट गया है, तो मैं उसको देखकर उसको सकारात्मक रूप से समझूं कि आखिर मुझसे वो छूटा क्यों है, उसके छूटने की वजह क्या है, और तब शायद उसको मैं साथ में लेकर चलूं। और सबसे बड़ी चीज कि अपने होप को यानी अपने भीतर आशा को कभी बुझने नहीं देना है। जिस दिन वो होप खत्म हो जाता है उस दिन हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कल नहीं आज में सोचें, और आज की अगर हम बात करें तो फिर हर लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकता है। और लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए या अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए एक और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है मनुष्य का उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी इच्छा शक्ति किसी भी कार्य को पूरी करने के लिए। और ये सारी चीजों के साथ ही जो है हम असफलताओं को चुनौती के रूप में लेकर सफलता की ओर जा सकते हैं। तो अब हमें बैठकर कुछ प्रश्नों को हमें खुद अपने आप से पूछना होगा, और अगर हमने अब तक ये प्रश्न नहीं पूछे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वजह है कि हमें असफलता दिख रही है लेकिन वो चुनौती के रूप में नहीं दिख रही है, सफलता मुझे नहीं मिल रही, तो वो प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न ये पूछे कि आखिरकार मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट्स माय एम ऑफ लाइफ, सबसे बड़ी बात। उसके बाद अगर मुझे प्रेरणा तो मुझे अपने अचीवमेंट्स का लेखा जोखा लेकर बैठना पड़ेगा।
मुझे ये सोचना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं मतलब सफल हुई ही नहीं हूं, तो अपनी जितनी सफलताएं हैं उनका लेखा जोखा लेके बैठना पड़ेगा और मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इस कार्य की सफलता के पीछे किस प्रकार का प्रयास मेरा रहा है, कैसे मेरी विचार शक्ति रही है, किस प्रकार की सोच मेरी रही है, किस प्रकार की स्ट्रैटेजी मेरी रही है, किस प्रकार की योजना मेरी रही है और कैसे मैंने उसको अचीव किया था अतीत में, उससे प्रेरणा लेकर मैं इस कार्य को भी कर सकती हूँ। उसके बाद मेरी सबसे बड़ी असफलता कौन सी थी, जब हमें सबसे बड़ी असफलता समझ में आ जाएगी तब हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि उस बड़ी असफलता की वजह क्या है, बैठकर हमें उसके ऊपर मंथन करना होगा, आत्ममंथन करना होगा और उसके बाद हमें समझ में अपने आप आ जाएगा उस आत्ममंथन के बाद कि आखिरकार इस असफलता की वजह क्या है और किस तरह से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। इतना ही नहीं है, मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर कौन से कार्य ऐसे हैं जो मैं कर सकती हूं। अब हर कार्य तो हम नहीं कर सकते, मेरे अपनी कुछ कैपेबिलिटीज हैं, मेरे अपनी कुछ काबिलियत है, मेरी अपनी कुछ काबिलियत है जो किसी क्षेत्र विशेष के लिए बनी है। अगर हर कोई हर काम करने लगे तो मुश्किल हो जाएगी, बेहतर यही है कि हम वो कार्य करें जिस कार्य को करने की मेरी अपनी काबिलियत है या मैं कर सकती हूं। तो उस काबिलियत को हमें समझना जरूरी है और एक बार वो काबिलियत समझ में आ गई तो हमें लक्ष्य निर्धारित करना है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजना बनानी है। हर काम के लिए योजना की आवश्यकता होती है। हम काम को प्रारंभ करके उसे सिर्फ और सिर्फ यूं ही समाप्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो कार्य भले समाप्त हो जाए लेकिन सफल नहीं होता है। समझ लीजिए हम किसी को अपने घर लंच या डिनर पे बुला रहे हैं, उसके लिए भी एक दो दिन की हम तैयारी करते हैं, योजना करते हैं क्या क्या मेनू क्या होगा, किस तरह से हम उनका स्वागत करेंगे, खाना किस तरह का बनेगा, ये बहुत सारी योजनाएं हम बनाते हैं और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो फिर उसमें सफलता जरूर मिलती है। तो मुझे योजनाबद्ध तरीके से काम भी करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना नहीं करना चाहिए, इसकी भी एक सूची मुझे बनानी पड़ेगी और उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना पड़ेगा। इतना आसान तो नहीं है कि हमें सफलता मिल जाए। क्यों? क्योंकि असफलताएं बार बार आती हैं और उनको चुनौतियों की तरह लेना होगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि नो चैलेंजेस नो सक्सेस। यहाँ पे नो का मतलब है NO, माने अगर हमने चैलेंजेस नहीं लिए तो हमको सक्सेस नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर हम ये कहें कि नो चैलेंजेस KNOW यानी जानना, जब हमने नो चैलेंजेस नो सक्सेस, यदि हम अपने चैलेंजेस को जान लेते हैं तो हम अपने सक्सेस को भी पहचान लेते हैं। तो असफलता को पहचानना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है, उसके पीछे की वजहों का मंथन करना जरूरी है और तभी जाकर हमें एक नई रणनीति मिलेगी जिसके ऊपर चलकर हम उस सक्सेस तक पहुंचेंगे जिस सक्सेस को भी हम जानते हैं। तो अपनी बात में यही कहकर समाप्त करना चाहूंगी कि जीवन में चाहे जितनी असफलताएं आई उनको अगर हमने चुनौतियों की तरह लिया तो सफलताओं को प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस दिन हम थक हार कर बैठ जाते हैं अपनी असफलताओं को, अपनी कमजोरी बना लेते हैं, उन्हें चुनौतियों की तरह नहीं लेते, तो वहां पर हम मुंह की खाते हैं और विश्वास कीजिए जीवन का सारा रस चला जाता है, जीवन की सारी खुशी चली जाती है और जीवन निरर्थक और अर्थहीन लगने लग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्नोत्तर हो तो
तो फिर उस पर हम बात करना जरूर चाहेंगे. थैंक यू वेरी मच मैडम. सो लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर आस्किंग सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. हां हां, विल अनम्यूट देम. Participants, those who want to ask the questions, please choose reaction button and choose raise hand. Yeah, Shubh is raising hand. Unmuting you, Shubh. Please ask the question. Shubh and Mohan Gaud. Hi. Hi, sir. This sir. Good evening, sir. Good evening, Mohan Gaud. Please answer. మీరు కూడా ఒకసారి ఆన్లైన్ డిజిటల్ అంటే నాన్ ఇంజనీరింగ్ కాక వట్టి మామూలు వాళ్ళకు ఒకసారి మీరు క్లాస్ పెట్టండి సార్. మోహన్ గారు, మీరు రామలక్ష్మి గారిని ఏదైనా అడగాలంటే క్వశ్చన్ అడగండి, మనం తర్వాత డిస్కస్ చేయొచ్చండి. సరే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దోస్ హూ వాంట్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ప్లీజ్ రైజ్ ద హ్యాండ్. ఐల్ అన్మ్యూట్ యూ, ప్లీజ్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. Ramlakshmi garu, I have some few questions. Please. So I know Hindi, but my Hindi you cannot understand. I can understand me Hindi, so not an issue. Okay, actually my Hindi is completely different part because I am completely from core south part of India. So thoda thoda is the most used word in Hindi. What we use thoda thoda Hindi malum. So that's the most used word what we use. So how do you face challenges? If you have any challenge, how do you face it? How do you resolve such type of challenges if you face any type of issues and challenges? You're asking in general or you are asking what kind of strategies do you use? What kind of strategies do you use to come over such type of challenges if you face? Sir, हमने मैं हिंदी में बोल सकती हूँ, राइट? या फाइन, या हमने ये बात इस बात की चर्चा काफी की है कि देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन सॉरी थॉमस अल्वा एडिसन का मैंने एग्जांपल दिया था जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था और वो जो सक्सेसफुल बल्ब बना उसके पहले 10,000 बार वो फेल हुए थे और वो कहते हैं कि वो मेरा फेलियर नहीं था बल्कि 10,000 चीजें मैंने सीखी हैं कि किस तरह से एक सक्सेसफुली इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया जा सकता है. तो हमें अपने फेलियर से बढ़कर कोई और नहीं सिखा सकता है सर. हमारा जो फेलियर है वही हमको सिखा सकता है कि अगला सक्सेस के लिए हमें क्या करना होगा और उसकी स्ट्रैटेजी भी हमारे फेलियर्स ही बताते हैं. अगर समझ लीजिए कोई एक चीज हम नहीं कर पाए हैं, हमको फेलियर मिला है, तो वी नीड टू आस्क क्वेश्चन कि मैं क्यों फेल हुआ. एंड जब जितने आप क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे आपको उतने आंसर्स मिलते चले जाएंगे. क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अगर मुझे एक बुक पब्लिश करनी है और वो बुक जो है मुझे 5 महीनों में पब्लिश करनी है और मैं पब्लिश नहीं कर पाई, तो मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अपने आप से कि सबसे पहला क्वेश्चन, क्या 5 महीने का समय कम था? द आंसर इज यस, कम था. तो 5 महीने में मेरी तैयारी कितनी हुई थी? अगर समझ लीजिए 5 महीने में मैंने 2/3 पुस्तक लिखी है तो मुझे ठीक उसका दुगना और समय मुझे लगाना पड़ेगा. तो समय की सीमा मुझे वहां पर मिल गई, ठीक है. उसके बाद अगर मुझे एक और क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पाई, कहां पे परेशानी हो रही है? समझ लीजिए मुझे भाषा में परेशानी हो रही है, मतलब कभी कभी रिपीटेशन, क्योंकि देखिए हम कितने शब्द बोलते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 300-400 शब्द बोलते हैं, लेकिन वही वही शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और मैं नहीं चाह रही कि वही वही शब्दों का प्रयोग हो. मैं चाहती हूँ कि कुछ नए शब्द आए. ओके, देन मुझे अब एक काम करना पड़ेगा, ये मेरी एक फेलियर है तो उसके लिए एक और स्ट्रेटेजी मुझे बनानी पड़ेगी. अगली बार मैं जब भी बैठूं अपने शब्दकोश यानी डिक्शनरी एंड थेसरस वगैरह साथ में लेकर बैठूं ताकि उसका समानार्थी शब्द और वो सारे शब्द मुझे मिल जाएं, ठीक है. उसके बाद अच्छा एक और चैलेंज क्या है कि मैंने जो कुछ किताब लिखी है मैं उसको टाइप नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे हिंदी की टाइपिंग स्पीड बहुत कम है. तो मुझे क्या करना होगा, या तो मुझे आउटसोर्स करके किसी को देना होगा, फेलियर से मुझे पता चल रहा है किसी को दे सकती हूँ मैं, या नहीं तो फिर मुझे मेरी स्पीड को बढ़ाना है. अब मैं किताब लिखूंगी कि टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाऊंगी, तो मुझे ऐसे ऑप्शंस मतलब खोजने पड़ेंगे जहां पर मैं आराम से कर सकूं. अच्छा,
तो टाइप करने के बजाय क्यों ना ऐसा हो कि स्पीच टू टेक्स्ट में जाऊं, अर्थात ऐसे ईयरफोन लगाऊं अच्छा खासा क्वालिटी का और मैं बोलते चले जाऊं क्योंकि मेरा उच्चारण सही है और स्क्रीन के ऊपर हिंदी अपने आप आती चली जाए, ये भी एक तरीका है। तो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी अपने आप से तब मुझे उसकी स्ट्रैटेजी अपने आप मिल जाएगी कि मुझे किस और जाना चाहिए। अच्छा, पुस्तक का विषय सही था क्या, इसके ऊपर मैं लिख सकती हूँ क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मेरे थॉट्स बंद हो गए हैं, मतलब मुझे कोई और विषय चूज करना। तो यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन। आपका फेलियर ही आपको बताएगा कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। Okay, thank you, madam. Thank you very much. Thank you for all the participants who are viewing this meeting. Thank you for joining us today. We'll be having more number of events like this. Please stay tuned. Thank you all. Bye-bye for today. We are quitting the meeting. Thank you, madam. We'll end the meeting. Okay. Thank you so much.